तरह के हमारे वंश होते हैं। एक जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया वो कुल वंश खानदान, दूसरा ऋषियों का वंश, मूलतः हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे डीएनए में ऋषित्व देवत्व है। आज हमारे मजहब जो हों, जातियां हमारी जो हों, प्रांत या भाषा हमारी कोई भी हो सकती है, लेकिन एक बात सब में समान रूप से है तो वह है हम ऋषियों के वंशज हैं, हमारे खून में ऋषित्व है, देवत्व है। और ज़्यादा मूल में जाएं तो हम एक ईश्वर की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, हम भारत माता की संतान है, हम सभी एक समान है, सभी महान है। तो फिर आखिर इस ऋषि वंश की रक्षा कौन करेगा? हमारा कुलवंश कैसा चलेगा इसके बारे में माता पिता भी सोचते हैं और बड़ी होने पर संतानें भी सोचने लगती हैं, लेकिन हमने ये उत्तरदायित्व लिया है कि हम ऋषियों के वंश की रक्षा करेंगे। आप जिस कुल में, जिस वंश में, जिस जाति में, जिस मजहब में, जिस प्रांत में, जिन भाषा भाषियों के बीच में पैदा हुए हैं, उसकी रक्षा करने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों और हैं। बड़ी बात है ऋषियों के वंश की रक्षा करने का उत्तरदायित्व, और ये उत्तरदायित्व हमने अपने ऊपर लिया है। लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराने अपने ऋषियों की संस्कृति का, उस ऋषि परंपरा का, ऋषियों के वंश का उत्तराधिकारी मैं स्वयं को मानता, और अपने ही जैसे और भाई बहनों को इस योग के मार्ग पर, इस अध्यात्म के मार्ग पर, इस ऋषि ज्ञान परंपरा के मार्ग पर, ऋषित्व देवत्व जीवन की पूर्णता के इस मार्ग पर मैं उनको आगे लाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप यदि ऋषियों की वंश की रक्षा करना चाहते हैं और अपने आप को ऋषियों की तरह प्रज्ञावान, चरित्रवान, महान बनाना चाहते हैं, तो वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में जो नंबर दिए हुए हैं इन पर संपर्क करके गुरु पूर्णिमा पर अवश्य आइए, और 7 दिन आप देखिए, हम आपको देखेंगे, और फिर आपको लगे कि आप इस मार्ग पर चल सकते हैं तो इससे बड़ा जीवन का और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जीवन अनादि है और अनंत है। जीवन एक बीज की तरह जिसमें अनंत शुभ है और अनंत अशुभ भी है। जीवन में अनलिमिटेड हैप्पीनेस भी है और अनलिमिटेड पेन भी है। जीवन में अनंत असुरत्व भी है और अनंत देवत्व ऋषित्व भी है। जीवन में अनंत सफलताएं हैं और असफलताएं भी हैं। जीवन में अनंत सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य भी है, अनंत वैभव है और अनंत दरिद्रताएं भी हैं। आपको ये तय करना है, आपको ये डिसाइड करना है, ये सिलेक्शन आपका, चुनाव आपका कि चुनना किसे चाहते हैं आप। अनलिमिटेड हैप्पीनेस को चुनना चाहते हैं या अनलिमिटेड सैडनेस को, आपको तय करना है। मैंने चुना है अनलिमिटेड हैप्पीनेस को, अनलिमिटेड सक्सेस को, अनलिमिटेड पीस को, अनलिमिटेड डिवाइन प्रॉस्पेरिटी को। मैंने दरिद्रता को नहीं चुना, मैंने दुख को नहीं चुना, दारिद्र्य को नहीं चुना, और मेरी तरह, पूज्याचार्य भाक्षण जी की तरह, और महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद और हमारे पूर्वज गौतम कणाद, जमुनी, पाणिनी, पतंजलि और अनंत ऋषि मुनियों की तरह, अपने पूर्वज ऋषि शिकाओं की तरह, आप भी यदि अनंत का चुनाव करना चाहते हैं, असीम को, पूर्णता को चुनना चाहते हैं, तो आप इस
अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलने के लिए, ऋषियों के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, इस पूर्ण सत्य के मार्ग पर, सच्चे सुख के मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर, धर्म न्याय और अनंत के मार्ग पर, जीवन की इस पूर्णता के मार्ग पर आप यदि चलना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इसमें आप लीक से हट करके जो स्थापित मान्यताएं, परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज और जो भी स्टैब्लिश बिलीफ्स हैं, उनसे परे एक जीवन का सत्य है जिसको हम शाश्वत नित्य सत्य कहते हैं। जिस सत्य को आप देख रहे हैं जीवन में, मैं इसको झूठला नहीं रहा हूं। मैं कभी नहीं कहता हूं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत झूठ है, मैंने कभी नहीं कहा। मैं कहता हूं जगत सामान्य सत्य है, लेकिन इससे भी परे एक शाश्वत नित्य सत्य है जिसे आप कभी उबते नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है और जिसमें किसी तरह की कोई न्यूनता नहीं है। व्यक्ति अपने भीतर एक अधूरापन महसूस करता रहता है, एक खालीपन, एक खोखलापन, एक सैडनेस, एक लोनलीनेस। इस अधूरेपन को, इस न्यूनता, अल्पता को आप भरना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, संसाधन से बाहर की सत्ता, संपत्ति, सफलता, उपलब्धि से, बाहर के इस क्षणिक भौतिक सुखों से आप उसको नहीं भर सकते। इसके लिए मार्ग है अध्यात्म का, और इस मार्ग पर जो भाई बहन चलना चाहते हैं उनको हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा बनाना चाहते हैं, उन भाई बहनों को मैं आमंत्रित करता हूँ। गुरु पूर्णिमा पर एक यह आध्यात्मिक शिविर हो रहा है जहाँ आप जीवन के दिव्य मार्ग का चयन कर सकते हैं। वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर संपर्क करके आप अवश्य एक बार आइए और भीड़ से परे, भीड़ जिस मार्ग पर चल रही है वो सत्य नहीं, भीड़ से परे जिसके ऊपर कुछ बहादुर भाई बहन ही चल सकते हैं, ऐसे एनर्जेटिक, ऐसे पावरफुल, ऐसे डिवाइन सोल्स को मैं आमंत्रित करता हूँ हरिद्वार हमारे पास आए और जीवन के परम सत्य, शाश्वत नित्य सत्य को जानने के लिए एक बार देखे तो सही, जरा ठहर करके। हम एक प्रवाह वेग में बहे जा रहे हैं, कहीं सत्य हमसे छूट तो नहीं रहा। हर माँ बाप कहता है बड़ा हो करके मेरा बेटा बहुत बड़ा काम करेगा, हमारा बहुत बड़ा नाम करेगा, हमारे देश का नाम करेगा, हमारे ऋषि मुनियों का नाम ऊंचा करेगा। मैं मानता कि बड़े होकर के बड़े काम करने चाहिए, बड़ा नाम भी करना चाहिए और वर्ल्ड फेमस होना चाहिए। और आज मैं ये होकर के बात कर रहा हूँ, मैंने भी बड़ा काम किया और मैंने अपने माता पिता का, अपने भारत माता का और अपने ऋषि मुनियों का बड़ा नाम भी किया है, बड़ा काम भी किया है, बड़ा नाम भी किया है। मुझे नहीं पता था ये बड़ा काम क्या है, मुझे नहीं पता था ये बड़ा नाम कैसे होता है, और मुझे नहीं पता था कि ये यश, ये गौरव, ये प्रतिष्ठा क्या होती है। लेकिन आज भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से, माता पिता और गुरुजनों ने जो ज्ञान और संस्कार दिए, समाज ने जो साथ दिया, उस सब ने मुझे वर्ल्ड सेलिब्रिटी बना दिया। बड़ा काम भगवान ने करवा दिया और बड़ा नाम भी हो गया। मैं आपसे कहता हूं, आप भी चाहते हैं जीवन में बड़ा काम करें, अपने माता पिता का बड़ा नाम करें, आप भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी बन जाए, सारी दुनिया में आपकी पहचान हो, नाम, काम और पहचान,
ये कौन नहीं चाहता। लेकिन ये सच्चा नाम हो, सच्चा काम हो, सच्ची पहचान हो, एक भौतिक नाम होता है, एक भौतिक काम होता है, एक भौतिक पहचान होती है। आन बान और शान की तो लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही है। ये सच्चा नाम, सच्चा काम, सच्ची पहचान, सच्ची प्रतिष्ठा आप अध्यात्म के मार्ग पर चल करके भी पा सकते हैं। नाचने गाने वालों के भी नाम हो रहे हैं, वो भी कुछ काम कर रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पहचान है, उनको भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी कहा जाता है, उनको भी महानायक जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, और तुम्हारे सामने एक फकीर बैठा है, इसको भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी कहा जाता है। तो मेरी तरह से, पूज्याचार्य भाष्य जी की तरह से, और अपने पूर्वज ऋषि मुनियों की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह, आइंस्टीन और न्यूटन की तरह, जो विश्व की श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए और जीवन में सच्चा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, दिव्य काम कीजिए, दिव्य नाम कीजिए और दिव्य पहचान बनाइए, और उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में, नहीं तो आप कहीं भीड़ में खो जाएंगे, भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। भीड़ में जीते हैं पशु, आप इंसान हैं, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप कुछ ऐसा कीजिए जिसे युगों युगों तक आपका, आपके माता पिता का, आपके खानदान का, ऋषियों के खानदान का नाम और उनकी पहचान, उनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में हो। तो मैं सभी माता पिताओं से आह्वान करूंगा और ऐसे युवक युवतियों से आह्वान करूंगा कि जीवन का एक मार्ग यह भी है, और इस मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम। इस आध्यात्मिक जीवन को समझिए और फिर आपको लगे कि ये सही है तो जीवन भर इस पर चलने का संकल्प लीजिए।